हेलो स्टूडेंट, ये हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की क्लास है और इसमें हम हमारा जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आता है हमारा माइनर फाइला मीसोजोआ। हम जैसे कि हमें पता है जो एनिमल्स हैं उनको हमने मेजर एंड माइनर फाइलम्स में डिवाइड किया है। हम मेजर जो फाइलम्स पढ़ते हैं उनमें आते हैं हमारे जैसे प्रोटोजोआ, प्रोलिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज एंड अगर हम बात करते हैं उसके आगे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड ऑल द वर्टिब्रेट्स। इनके बिटवीनली कुछ ऐसे फाइलम्स आते हैं जिनकी बहुत ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट नहीं है तथा अगर हम बात करते हैं तो वो जो फाइलम्स होते हैं वो स्पेशलिटीज लिए हुए हैं जिनके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो उनको मेजर फाइलम से डिस्टिनेक्ट करती हैं। सो दीज आर कमिंग टुगेदर इनटू द माइनर फाइला। तो माइनर फाइला में अगर हम बात करते हैं जैसे मीसोजोआ हुआ, टीनोफोरा हुआ, डॉट्रीफेरा, राइनोसिला, ये कुछ ऐसे फाइलम्स हैं जो कि किसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं, माइनर फाइलम्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो उन माइनर फाइलम्स में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं दैट इज द मीसोजोआ। मीसोजोआ जो है उसको जो एक तरीके से स्टडीज जो किया गया था वो वॉन बिंडन ने किया था और वो किया है कब, 1876 में वॉन बिंडन ने कुछ ऐसे एनिमल यानि कि जो बिटवीन किसके प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, यानि कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बिटवीन भी क्या होते हैं, कुछ ऐसा कोई एनिमल है जो कि उनके बिटवीनली माइनर फाइलास में इंक्लूडेड होता है। यानी कि प्रोटोजोआ सिंगल सेल है और जो अगर हम बात करते हैं मेटाजोआ वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्स, यानी इनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, अनकाउंटेबल सेल्स प्रेजेंट है। तो उनके बिटवीनली मीसोजोआ की अगर हम बात करते हैं, दीज एनिमल्स कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 35 सेल्स। इन एनिमल्स में क्या होती है, 2 to 35 सेल्स तक प्रेजेंट होती है। तो एनिमल्स दोज बियरिंग 2 to 35 सेल्स आर द मीसोजोआ। किसमें इंक्लूडेड है, मीसोजोआ में इंक्लूडेड है। अगर हम इनकी बात करते हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म, इनकी सिंपली क्या है, मीसोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉडी एनिमल है और मोस्टली कैसे हैं, पैरासाइटिक। तो यदि हम इनकी क्या बात करते हैं, स्पेशलिटीज की या जनरल फीचर्स की बात करते हैं, तो मीसोजोआ कैसे होते हैं, ऑल द मीसोजोआ आर द स्मॉल सिंप्लेस मल्टी सेल्यूलर। कैसे हैं, सिंप्लेस मल्टी सेल्यूलर एंड एसिलोमेट एनिमल। सिंपली कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है और एसिलोमेट एनिमल होंगे एंड दे आर द ए ब्लास्टिक एनिमल। कैसे हैं, ए ब्लास्टिक, इट मीन्स सेल्स प्रेजेंट है बट कोई भी लेयर जनरली इनमें फॉर्म्ड नहीं होती। अगर हम इनके हैबिटेट्स की बात करते हैं तो हैबिटेट्स में क्या होगा, दीज आर द एक्वेटिक मराइन एनिमल, यानी कि एक्वेटिक है साथ के साथ कैसे है, मराइन है एंड ऑल आर द पैरासाइट्स। कैसे है, पैरासाइट्स है, एक्वेटिक मराइन एंड पैरासाइट्स एनिमल्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं, एज द पैरासाइट्स एनिमल में जनरली प्रेजेंट होते हैं। देयर बॉडी, अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी में तो क्या होगा, सिलेंडर वर्म, जैसे स्मॉल सिलेंड्रिकल वर्म लाइक होगी, वर्म लाइक बॉडी होगी एंड सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ सीलिएटेड सेल, यानी कि एंटायर बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें क्या है, हमने क्या बोला कि एब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, इट मीन्स दे डोंट बियर एनी ऑफ लेयर, यानी कि कोई लेयर इनमें प्रेजेंट नहीं होती है बट दे कंसिस्ट वन और मोर रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या होंगी, इनमें वन एंड मोर रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगी। जो मीसोजोआ के एनिमल्स की बात करते हैं कि इनमें क्या होते हैं, मोनोइशियस एंड डाइशियस, यानी कि हम इनमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते दैट दे आर द मेल दे आर द फीमेल, बट इनमें दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट होती है कि मोनोइशियस और डाइशियस एनिमल प्रेजेंट होंगे। द लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड बाय एन अल्टरेशन ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल जनरेशन, यानी कि इनकी लाइफ में क्या होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो फॉर्म्ड होती है उनका अल्टरेशन प्रेजेंट होता है। और सबसे मेन जो हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, द सोमेटिक सेल्स आर जैकेटेड फ्रॉम अराउंड रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड मीसोजोआ। ये इनकी स्पेशलिटीज है कि इनमें क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव सेल, ये अगर हम क्या बात करते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सेल्स इज जैकेटेड अराउंड द सेल्स, कि यहाँ पर क्या होते हैं, सोमेटिक सेल्स आर जैकेटेड फ्रॉम अराउंड रिप्रोडक्टिव सेल, ये बीच में रिप्रोडक्टिव सेल्स है और उसको गार्डेड कौन कर रहा है, सोमेटिक सेल्स। तो दीज एनिमल्स आर जनरली कॉल्ड मीसोजोआ।
अब अगर हम इनके सिंपली क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो मीसोजोआ के एनिमल्स हैं उनको टू ऑर्डर्स में क्लासिफाइड किया है, डाइसीमीडिया एंड ऑर्थिनोक्टिडा। ठीक है, टू क्लासेस हैं, डाइसीमीडिया एंड ऑर्थिनोक्टिडा। तो यहां इनके एनिमल्स की बात करते हैं डाइसीमिया, और सेकंड इसका अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा रोहोप्लूरा। जो डाइसीमिया है, ये डाइसीमिया कैसा होता है, मोनोइशियस फॉर्म होती है। डाइसीमिया क्या है, मोनोइशियस फॉर्म होगी। जनरली क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स। इनमें क्या होगा कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहां क्या प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल फॉर्म। तो डाइसीमिया को डाइसीमिया इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट फॉर्म द टू टाइप ऑफ लार्वा। कौन कौन से लार्वा फॉर्म बनता है कि एक्सटर्नल सेल जो होती है वो क्या बनाती है, वर्मी फॉर्म लार्वा फॉर्म्ड बनाती है, एंड दिस सेल इज फॉर्मिंग द इन्फ्यूसी फॉर्म लार्वा। तो टू टाइप ऑफ लार्वा फॉर्म प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डाइसीमा। सेकेंड अगर हम बात करते हैं ऑर्थिनोक्टिडा, यहाँ पर एक चीज और कि डाइसीमीडिया ये कैसे है, एंडोपैरासाइट्स हैं इन द निफ्रीडिया ऑफ वेरियस सिफेलोपोड्स। जो डाइसीमीडिया के एनिमल्स होते हैं वो किसमें हैं, एंडोपैरासाइटिक फॉर्म्ड है इन द सिफेलोपोड्स एनिमल। सिफेलोपोड्स में क्या होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होती हैं, एंड ओवर डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली इनटू डाइमॉर्फिक एम्ब्रियो। कि जनरली क्या प्रेजेंट होगा, ओवा से पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू क्या डेवलप्ड होती है, डाइमॉर्फिक फॉर्म्स का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से इसी वजह से इनमें क्या मिलता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जनरली प्रेजेंट होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑर्थिनोक्टिडा में, तो ये भी कैसे है, एंडोपैरासाइट्स होते हैं इन द इनवर्टिब्रेट्स, जस्ट लाइक फ्लैटवर्म्स हुआ, एनिलिड्स हुआ इनमें। तो इनमें देखो ये क्या हुआ कि पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलियास प्रेजेंट होते हैं, ये सोमेटिक सेल्स कवर्ड करती है, और बीच में क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। जनरली जो मीसोजोआ के एनिमल्स हैं उनमें क्या होती है, 2 to 35 सेल्स होती हैं। बट अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 25 to 35 तक सेल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं तो जैसे है हमारा रोहोप्लूरा। अब रोहोप्लूरा में क्या होता है कि जो ये जो एनिमल्स होते हैं, रोहोप्लूरा कैसा है, डाइशियस है। तो बॉडी क्या होती है, स्लाइटली रिंग्ड होती है, एंड सेक्सुअल फॉर्म्स लेस देन 1 meter लॉन्ग। इन एन इनर सेल मास प्रेजेंट अमंग विद ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ अपेयर। और सेक्सेस भी क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, इट मीन्स दे आर द डाइमॉर्फिक एनिमल। जनरली क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जो फीमेल है वो किसका प्रोडक्शन करती है, मेल फॉर्म बनाती है। दोनों में मैच्योरेशन होता है, वो अपने गैमेट रिलीज करते हैं, गैमेट्स आर फर्टिलाइज्ड, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म द एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू द अगेन न्यू स्पीशीज। तो इस तरीके से इनमें क्या मिलता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म का क्या मिलता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर सेपरेशन है ही नहीं, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जनरली क्या होगा कि पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू न्यू फॉर्म्ड बनती है, फिर वो दोनों जो फॉर्म्ड होंगी वो मैच्योरिटी के बाद क्या बनाते हैं, अपने अपने गैमेट रिलीज करते हैं। तो एक सेक्सुअल फॉर्म ने पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू क्या फॉर्म्ड किया है, गैमेट्स फॉर्म किए हैं, फिर गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने पर उनमें क्या मिल रहा है, लार्वा फॉर्म बनेगी, और लार्वा फॉर्म से फिर एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स दे हैव द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एज द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म। तो इस तरीके से हमारा सिंपलेस्ट फाइलम आता है, दैट इज द मीसोजोआ, जो कि हमारा माइनर फाइलम है। ये हमारा फाइलम क्या करता है, एफिनिटी शोज करता है इनटू द प्रोटोजोआ एंड टू द सिलेंट्रेटा। जैसे प्रोटोजोआ के एनिमल्स में क्या होती है, पूरी बॉडी स्पेल यानी कि सीलिएटा। प्रोटोजोआ में जो हमारी क्लास सीलिएटा आती है, सीलिएटा के एनिमल्स की एंटायर बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस एनिमल्स आर ऑल्सो बियरिंग अ सीलिया। और साथ के साथ इसमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या है कि जो इसकी रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो क्या फॉर्म्ड कर रही है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रही है, जो कि किससे सिमिलरिटी शो करता है, वॉल्वॉक्स से सिमिलरिटी शो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनमें लार्वा फॉर्म प्रेजेंट होती है, एंड इट्स लार्वा फॉर्म यानी कि इसकी जो वर्मी फॉर्म एंड इन्फ्यूसी फॉर्म जो लार्वा होता है वो लार्वा सिमिलरिटी शो करता है इन द डेवलपमेंट
जो यानी कि डेवलपमेंट में जो फॉर्मेशन सिमिलरिटी शो कर रहा है सिलेंट्रेटा के प्लैनुला लार्वा से, जो सिलेंट्रेटा का प्लैनुला लार्वा का डेवलपमेंट होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेवलपमेंट कौन शो करते हैं, ये मीसोजोआ के एनिमल शो करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स गेम से शो द एफिनिटी टू द प्रोटोजोआ एंड सिलेंट्रेटा एनिमल। तो जनरली अगर हम मीसोजोआ की बात करते हैं, मीसोजोआ आर द डिस्टिंक्ट फाइलम, ये सेपरेटेड एक फाइलम है जो एक बहुत कम स्पीसीज होती है, अप्रोक्सीमेटली 50 से अबो यानी कि 100 से कम और 50 से अबो इसमें स्पीसीज जनरली प्रेजेंट होती है और अपनी अलग एक पोजिशन फॉर्म्ड करता है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फाइलम आता है, फाइलम मीसोजोआ। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम और अदर फाइलम्स के बारे में स्टडी करेंगे।